चौकीदार, ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है। और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि देश में जो सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, उनमें से पहले 5 क्षेत्रों में जिनकी अगर हम गणना करें तो उसमें आप लोग आते हैं। एग्रीकल्चर के बाद वन ऑफ दी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देने वाला इंडस्ट्री इज सिक्योरिटी इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट 85 लाख वर्कफोर्स, यू आर एमिंग एट मोर देन 2 करोड़, योर ग्रोथ इज अबाउट 20%, 22% टू 30%, एंड वेरियस थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग नाउ टू असिस्ट यू, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर विच विल सी ट्रिमेंडस ग्रोथ। जानकारी करने की कोशिश की तो करीब करीब देश के अंदर 22,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, और जैसा आपने बताया था कि 80 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मचारी, यानी मैं तो बोलने वाला था कि 1 करोड़ से कम लोग नहीं है, पर अब भी चूंकि आपने अध्यक्ष जी ने बोलते हुए संख्या बताई तो 1 करोड़ नहीं बताया, मैं मानता हूँ इनको 1 करोड़ से अधिक संख्या है, ये कम नहीं है। It was mentioned that the police forces are inadequate. Yes, they are inadequate because of the type of numbers that you require. जो माल के अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहे हैं, जो सिनेमा थिएटर के अंदर कौन आ रहे हैं, शॉपिंग के अंदर कौन आ रहे हैं, घर के अंदर कौन घुस रहे, अपार्टमेंट के अंदर कौन जा रहे, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन जा रहे, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर कौन आ रहे, सिर्फ पुलिस, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पूरा देश का सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। सिक्योरिंग माई स्क्वायर इंच ऑफ मदरलैंड, कैप्सी एक्चुअली लीडिंग द सिक्योरिटी सेक्टर इन अ मैनर इन विच ईच एजेंसी दैट जॉइंस कैप्सी नोज दैट द लीडरशिप दैट कैप्सी प्रोवाइड्स विल रिजल्ट इन प्रॉफिट्स एंड नेम फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंसी। इस भारत के प्रधान सेवक चौकीदार के तरफ से सभी सिक्योरिटी एजेंसी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं।